एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पर मेरी आँख से आंसू निकल गए थे। यार मैं कहाँ फंस गया, काश मुझे यहाँ से कोई निकाल दे। कल ही छोड़ देता हूँ, निकल जाता हूँ यहाँ से, सीए नहीं करनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए योगेश वर्मा और आज के वीडियो में मैं आपको अपना आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने डिमांड करा है मेरे लास्ट वीडियो में। तो मैंने आर्टिकलशिप जो है कई फर्म में करी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है। मैं इसके तीन पार्ट बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं अपनी तीनों फर्म का या तीनों स्टेजेस में जो मैंने करा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात है 2013 की, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी SRCC से। कई लोगों का सवाल आ रहा है कि सर आप डायरेक्ट एंट्री से आए हो या फाउंडेशन से आए हो। तो दोस्तों मैं फाउंडेशन रूट से ही आया था 12th के बाद, और अपना फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल मैंने ग्रेजुएशन के 3 साल के जर्नी में कंप्लीट कर लिया था। इवन 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया था, 1 साल बिल्कुल खाली बैठा था, मज़े कर रहा था, क्योंकि दिल्ली में जो है आपको ग्रेजुएशन के साथ आर्टिकलशिप अलाउ नहीं होती है। 2013 में मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई, पर आर्टिकलशिप पाने की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। टॉप फर्म से मुझे कॉल नहीं आई, या टॉप फर्म से जहाँ कॉल आई वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, और छोटी फर्म में जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था। और इस चक्कर में क्या हुआ कि मैं 30th अप्रैल से पहले अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर पाया। ये 30th अप्रैल की वो डेट होती है जो इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप करते हैं, उससे आपके 6 महीने बच जाते हैं। और अगर आप 30th अप्रैल से 1 दिन भी क्रॉस कर लेते हैं तो आपका सीए फाइनल का अटैम्प्ट यानी 2.5 साल के बाद वो आपका डिले पड़ता है। तो इसको आप कैलकुलेट कर भी देख सकते हैं। किसी कारणवश मैं 30th अप्रैल तक रजिस्टर नहीं करा पाया, मई में अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करे, इवन जून के फर्स्ट वीक तक भी मेरे कुछ एग्ज़ाम्स चले थे, और उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप की सर्च शुरू हो गई। स्टार्टिंग में मैं आसपास की फर्म जाकर आया और सोचा कि चलो ठीक है, छोटी फर्म से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बड़ी फर्म में तो होना नहीं है। 1-2 मैंने बड़ी फर्म के इंटरव्यू तक मैं पहुंच गया था, बट वो मेरे क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है, और इस वजह से मैं रह गया। फिर ऐसा हुआ कि मुझे अपने आप में जो है इंप्रूवमेंट करनी शुरू करनी थी, और वो मैंने करी। मैंने बार बार जो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ की प्रैक्टिस करी, अपना रिज्यूमे जो है अच्छा बनाया, उसको अलग अलग जगह पर जो है मैंने भेजना शुरू करा। हर फर्म की मैंने वेबसाइट खोली, उनके करियर सेक्शन में गया, और वहाँ पर जाकर जो ईमेल आईडी थी एचआर की उस पर मैंने मेल करी। इवन info@ करके जो फर्म की आईडी थी उस पर भी मैंने अपना रिज्यूमे भेज दिया। और साथ में मैंने कनॉट प्लेस, नोएडा, और साथ में साउथ दिल्ली हो गया, वहाँ पर जाकर मैं इंटरव्यू देने लगा। तो कुछ लोग ऐसे मुझे मिले जिन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप कल से आ सकते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं हो रहा था कि इस फर्म में मैं 3 साल दे सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने पूछा कि सर आप ट्रांसफ़र दे देंगे क्या, तो कहते ट्रांसफ़र देना है तो फिर निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि भैया 3 साल के हिसाब से आपकी प्लानिंग होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे फंस ना जाऊँ, और इसके लिए मैं और टाइम ले रहा था। जून का महीना निकल गया और जुलाई के करीब मुझे जो है एक फर्म से कॉल आया, आई थिंक वो GC Sharda थी, GC Sharda & Company जहाँ तक मुझे याद है, और वो साउथ दिल्ली की फर्म थी जिन्होंने शायद 5,000 रुपये देने के लिए कहा था, 5-6,000 रुपये स्टाइपेंड। अच्छा ऑफिस था, पार्टनर बहुत ही जो है Big 4 से कर आए थे, एक लिस्टेड कंपनी की ऑडिट भी थी उनके पास जो उन्होंने मुझे बताया, और मुझे वहाँ सेलेक्ट भी कर लिया था। बट हुआ ये कि वो भी टॉप 20 फर्म में तो नहीं आ रही थी, और इसीलिए मेरी सर्च जो है चालू रही। मैंने उन्हें रिवर्ट नहीं करा और जगह पे सर्च करते गया, कुछ छोटी फर्म में गया, नेताजी सुभाष प्लेस दिल्ली में है वहाँ पर जाकर आया, और बहुत सारी जो है मैंने फर्मों में जो है अप्लाई करना शुरू करा, विज़िट करना शुरू करा। तो जब चीज़ें देखी तो मुझे पता लग गया भाई कुछ ऐसी फर्म मैंने आइडेंटिफाई कर ली कि यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, जिनके छोटे से ऑफिस हैं, 2 या 4 लोग बैठे होते हैं, और वहाँ पर कुछ खास काम होता नहीं है क्योंकि वो सोल प्रोप्रेटरशिप फर्म होती है। हो सकता है कुछ लोगों के पास बड़ा काम भी हो, वो एक्सेप्शनल सिनेरियो हो सकता है, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने उन फर्म्स को अवॉइड करा, और धीरे धीरे जब मैं देने लगा इंटरव्यूज़ तो मुझे LB Jha & Company जो कोलकाता की फर्म है और उनका इंटरनेशनल टाइप भी है, वहाँ पर मेरा कनॉट प्लेस के ऑफिस में इंटरव्यू हुआ, मैं सेलेक्ट हुआ। और मुझे लगा ठीक है यार, कम से कम इनके पास ऑडिट्स हैं, आउट स्टेशन ऑडिट्स हैं, और उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा, पूरे साल में आपको लगभग बाहर ही रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा, और मैं बहुत खुश था। मैं घर लौट ही रहा था तो लौटते लौटते मेट्रो में जैसे ही मैं आधे रास्ते में पहुंचा, मुझे कॉल आया कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम लूथरन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड योर इंटरव्यू इज शेड्यूल टुडे एट 5 PM, विल यू बी एबल टू कम। अब मेरे दिमाग में घंटी बज गई, मैं क्या करूं यार, एक फर्म में सिलेक्शन हो चुका है, मैं ओके बोलकर आया हूं, और अब मुझे वन ऑफ द टॉप 20 फर्म से कॉल आ रहा है जिसका नाम काफ़ी लोगों ने सुना है और काफ़ी अच्छा ब्रांड भी है, इवन लूथरा की लॉ फर्म भी है, और लॉ फर्म का नाम आप सबको पता होगा जो LLB कर रहे हैं, उन्हें पता होगा। तो समझ नहीं आया, मैंने हाँ बोल दिया, घर पर आया, क्योंकि मैं बीच में जा नहीं सकता था, थक गया था काफ़ी, खाना भी नहीं खाया था। घर पर पहुंचा 2 बजे के करीब, सुबह इंटरव्यू देकर वापस लौट रहा था,
तो 11-12 बजे इंटरव्यू दिया, घर पे मैं जो है 2 बजे तक पहुंच गया, खाना खाया और आधे घंटे में निकल गया, यानी कि 2 बजे पहुंचने के बाद 2:30 बजे वापस मैं लूथरा में पहुंच गया। उसकी भी एक अलग जर्नी है क्योंकि उनका ऑफिस मिल नहीं रहा था और मेट्रो कनेक्टिविटी सीधी नहीं थी। साउथ दिल्ली में वसंत विहार में फर्म लोकेटेड है, तो मैं ऑटो कर गया वसंत विहार तक, चलो पहुँच गया, कुछ रास्ता मेट्रो से कुछ ऑटो से। अब ऑटो से पहुँचने के बाद वो वसंत विहार में एग्जैक्टली कहाँ है मुझको पता नहीं है, और मेरे पास कोई वो GPS वाला वो नहीं था, फ़ोन नहीं था मेरे पास GPS वाला। 2013 में नोकिया का फ़ोन था सिंपल वाला जो प्लेन होता है, वो 2010 में लिया था कॉलेज में एंट्री करने के टाइम पे, तो 2013 तक वही था। हालांकि उस टाइम जो है आपके स्मार्टफोन ज़्यादा आने लग गए थे और आपके टच स्क्रीन वाले फ़ोन जो है ज़्यादा मार्केट में आ रहे थे जो अच्छी क्वालिटी के थे, बट मेरे पास वही चल रहा था 2010 वाला, तो मैं उसी से गया। उससे पता नहीं सिर्फ आप फ़ोन कर सकते हो, तो गलत रास्ते पे पहुंच गया। अब टाइम हो रहा है, 5 बजने वाले हैं, मिल नहीं रही फर्म, क्या करें। तो किसी ने बताया मुझे कि भाई यहाँ नहीं उस साइड है, तो उस साइड में गया, फिर फर्म में कॉल करा, तो उन्होंने मेरे को लैंडमार्क बताया कि देखो ये एम्बेसी के पास में ऐसे है, यहाँ पर आपको एक टेम्पल दिखेगा, कुछ दिखेगा, उससे अंदर आना है। तो ऐसे कर मैं पहुँचा और फिर वो जो अंदर फर्म लोकेटेड थी बेसमेंट में वो मुझे मिल गई और उसमें मैंने नीचे एंट्री ली। डे था फ्राइडे का, और फ्राइडे का जो डे था उसमें होती थी इनकी फ्राइडे मीटिंग, और मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होता है। मैं अपना बाहर बैठ गया, अंदर चल रही है मीटिंग, राउंड टेबल पर लोग बात कर रहे हैं, अमित लूथरा सर हैं वो भी आते हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट और गोल्फ प्लेयर, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 1989 में गोल्ड मेडल जीता था, सत्यमेव जयते में आमिर खान के शो में भी वो आए थे। तो काफ़ी राउंड टेबल मीटिंग और हीटेड डिस्कशन चल रहा था, मैं तो घबरा गया, मैंने कहा क्या होगा। जैसे ही वो डिस्कशन खत्म हुआ, पार्टनर आए, पार्टनर डायरेक्टली आर्टिकल जो है पार्टनर को रिपोर्ट करते हैं लूथरा में, तो ये वहाँ की एक खास बात है। उन्होंने मेरे को एक फॉर्म या एक रिटर्न टेस्ट पकड़ा दिया, उन्होंने कहा इसको सॉल्व कर लो। तो आधे घंटे का कुछ टाइम था, 20 मिनट आधे घंटे का टाइम था, वो मैंने सर्विस टैक्स के क्वेश्चन थे उस टाइम, TDS के क्वेश्चन थे, और थोड़ा बहुत जो था अकाउंटिंग एंट्रीज थी, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चन थे, तो वो सारे मैंने कर लिए। वो कर मैंने दे दिया, जैसे ही दिया थोड़े टाइम में पार्टनर आए, उन्होंने मेरे को अंदर वो मीटिंग रूम जो था वो खाली हो गया था, जो मीटिंग रूम था वो खाली हो गया था, उन्होंने वहाँ पे बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने मेरी गलती आइडेंटिफाई करी कि भाई देखो सर्विस टैक्स की जो एंट्री आपने करी है ये डेबिट नहीं है, क्रेडिट होगा। पहले मुझे लगा कि मैंने तो सोच कर करी थी, मैंने कहा ऐसे ही होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, मैंने कहा एक मिनट, मैंने कहा आप सही कह रहे हो, गलती से मैंने उल्टा लिख दिया, इसका आंसर ये होना चाहिए। वो मेरी एक ही मिस्टेक थी पूरे रिटर्न टेस्ट में, एंड डेफिनेटली द मोड ऑफ कम्युनिकेशन वॉज इंग्लिश, तो हिंदी में बातचीत नहीं हो रही थी, इंग्लिश में ही हमारा इंटरव्यू हो रहा था। तो जैसे ही वो हुआ तो उन्होंने फिर आगे प्रोसीड करा कि एटलीस्ट बंदे को पता है ये चीज़ गलत हुई है और बाकी सारी चीज़ें तो इसकी सही है रिटर्न टेस्ट में। तो उन्होंने आगे प्रोसीड करा और टेक्निकल राउंड से बिगिन करा। भाई ये टेक्निकल राउंड ऐसा था जो जिंदगी मैंने आज तक फेस नहीं करा। ये तो ऐसा हो गया कि आप कपिल शर्मा के शो में कोई रैपिड फायर आपसे कोई यस नो में सवाल पूछ रहा है या फटाफट फटाफट जवाब मांग रहा है जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, जिसके लिए आप पूरे तरह से तैयार हैं, आपको पता है। टेक्निकल राउंड कुछ इसी प्रकार था, मतलब कि कुछ भी मन में आए तो बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अच्छा TDS इस पर कितना लगेगा, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है, मैंने कहा 1% और 2% एग्जैक्ट रेट बताओ। हाँ तो मैंने कहा हफ एन इंडिविजुअल में एक रेट लगती है, बाकी में दूसरे लगती है, कौन सी किस में लगती है, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें आपको बतानी पड़ रही। रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म की, अच्छा एक ट्रांजेक्शन हुई है तो इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगे नहीं लगेगा, कौन GST पे करेगा, कौन सर्विस टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज से क्वेश्चंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, और साथ में बहुत सारे रैपिड फायर चलते गया 15-20 मिनट तक चलते गया। फिर मुझे बाहर बैठाया, वो अंदर गए, किसे डिस्कशन करा होगा CA से, और एक आध ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट होते नहीं वहाँ पे, आर्टिकल्स और पार्टनर होते हैं, बट जो भी 2-4 CAs होंगे फर्म में उन्होंने अपनी टीम में कंसल्ट करा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप सीनियर पार्टनर से मिल लीजिए, वो दूसरे ऑफिस में है, वो साइड में है, वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। तो मैं गया दूसरे ऑफिस में, पास ही में था, एडजस्टेंट था, तो बाहर निकल कर वहाँ पर गए, और उसके बाद HR ने मेरी मीटिंग कराई उनसे। 5-10 मिनट वेट करने के बाद उन्होंने रिज्यूमे देखा और उन्होंने कहा ठीक है आप, वैसे तो हम 90% से अबव लोग ही लेते हैं हमेशा, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में हमेशा ही 90% से ऊपर आने वाले लोगों को ही हम यहाँ पर एडमिट करते हैं, और मेरे 10th में 90% नहीं थे, मेरे कम थे, बट फिर भी जो है हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, और कॉन्ग्रेचुलेशन एंड डू लेट अस नो योर डिसीजन बाय मंडे अगर आपको ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा सही है यार, लूथरा में सिलेक्शन फाइनली हो गया, अंदर से फीलिंग अच्छी आ रही थी, इंटरव्यू अच्छा चला था, गर्लिंग इंटरव्यू था, तो लगा कुछ तो दम होगा यहाँ पे, ज्वाइन कर लेना चाहिए। और फाइनली मैंने एक दिन टाइम लिया, अपने मामा जी से मैंने कंसल्ट करा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने कहा अच्छी फर्म है, ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई जो होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट नाम तो मिल रहा है, ज्वाइन करते हैं। और इसी चक्कर में मैंने लूथरा 15 जुलाई 2013 को ज्वाइन कर ली।
अब ज्वाइन करने के बाद जो है 3 दिन ऐसे बीते मेरे जिसमें कि उन्होंने खातेदारी बहुत अच्छी करी कि आप गए, आपको आर्टिकलशिप का फॉर्म भरना है, आपका बैंक अकाउंट ओपन होएगा क्योंकि उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगी। स्टाइपेंड में बता दूँ वहाँ पे सिर्फ 4,000 रुपये थी, ज़्यादा नहीं थी, बट उसके बाद 6,000 और 8,000 ऐसे करके वो बढ़ा देते हैं हर साल, 4,000, 6,000 और 7,000 या 8,000 ऐसे कुछ करते हैं, और साथ में आपका बोनस होता है और कन्वेंस होता है वो आप ले सकते हो, तो ये आपको बेनिफिट मिलते हैं वहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोजर और क्लाइंट्स और बहुत ज़बरदस्त जो आपकी जर्नी होती है रोलर कोस्टर आर्टिकलशिप की, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर आर्टिकल्स सीए से ज़्यादा काम करते हैं। आर्टिकल्स सीएस की नहीं सुनते हैं, सीएस आर्टिकल्स की सुनते हैं, ये पहली फर्म मैंने देखी जहाँ पर ऐसा होता था, क्योंकि आर्टिकल्स सारे के सारे टॉप लेवल थे। और आज मैं आपको बता दूँ वहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स थे वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इवन कुछ तो आईएएस ऑफिसर भी बन चुके हैं। जैसे शिवानी को मैं जानता था, वो आईएएस ऑफिसर है इंडियन फॉरेन सर्विस में, अरुण सीए बन गया, दिवांशु अपनी फर्म खोल ली है, निखिल अपनी फर्म खोल ली है, जितने भी नाम लोग कम है, क्योंकि एलएलसी के जितने भी एलुमनाई हैं, एलुमनाई मेंबर्स, वो सारे अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो 2-3 दिन के जो रिलैक्सेशन पीरियड था उसके बाद अचानक से शुरू हुई आर्टिकलशिप जर्नी, जहाँ पर मुझे बोला कि अपनी आईडी प्रूफ ले आना, और आईडी प्रूफ जो है एक आर्टिकल असिस्टेंट को देनी थी जो एयरपोर्ट पर ऑडिट करने जा रहे थे और मेरे सीनियर थे एसआरसीसी के, 1 साल सीनियर थे, वो भी इसी फर्म में काम कर रहे थे। तो मैंने उन्हें मेट्रो पर आईडी पकड़ाई जिससे मेरी एयरपोर्ट की आईडी बनेगी क्योंकि मुझे वहाँ पर ऑडिट करने जाना है, और 3 दिन के बाद ऑडिट करने भेज दिया। उन 3 दिनों मैंने क्या करा, उन्होंने मेरे को पुरानी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दिखा दी और कहा कि इसको आप स्टडी कर लो। मैंने कहा ठीक है, कर लेता हूँ स्टडी, किसी ने कुछ समझाया नहीं, सिर्फ बोल दिया इस फोल्डर में रिपोर्ट पड़ी है, इस क्लाइंट पे जाना है, आप ज़रा देख लो इसको। कहा ठीक है। अब मैं वहाँ गया एयरपोर्ट पे ऑडिट करने के लिए, लैपटॉप लेकर गया, लैपटॉप बड़ी मुश्किल से मिला, लैपटॉप की बहुत मारामारी थी वहाँ पे, मतलब काम भी करना है, रिसोर्सेज भी ऐसे हैं, और लैपटॉप भी आपको बंदोबस्त करना है। करा किसी तरह, मिला मेरे को वहाँ पे लैपटॉप, गए। अब करना क्या है, तो करना क्या है कोई बताने वाला नहीं। तो पहले दिन के एंड तक मैंने पूछ ही लिया कि सर अब कैसे प्रोसीड करना है। सर ने कहा कि अभी डेटा मांगा है, जब आएगा तब बात करेंगे। उस दिन डेटा आ गया होगा और नेक्स्ट डे से हमें एक्चुअल काम शुरू करना था। और फिर मुझे बोला चल तू एक काम कर, तू एक्सपेंसेस देख ले, टीडीएस प्रोविजंस वगैरह देख ले। मैंने कहा ठीक है, अब उसमें देखना क्या है, कोई नहीं बता रहा। 2 आर्टिकल अपना काम कर रहे हैं, अरुण और निखिल थे वहाँ पे, और जो एक सर थे उन्हें खुद कुछ खास नहीं आता था, मुँह पे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी गलत चीज़ें उन्होंने मेरे साथ करी है, बट खैर हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पे जा रहा है आपके साथ तो आप उनसे क्वेरी पूछें, आप उनसे कुछ चीज़ें सीखें, ये नहीं कि वो आपसे पूछें, राइट। अब ये सिचुएशन मैंने देखी है, अब क्या हो सकता है वहाँ पे जाके कि आपको करना है काम और समझ में नहीं आ रहा, और उसके बाद दिन आने वाला है फ्राइडे का। फ्राइडे के दिन मेरे को पता लगा कि फ्राइडे को होती है मीटिंग जहाँ पर आपको करनी होती है अपनी ऑब्जर्वेशन डिस्कस कि आपने काम क्या किया है। अब मेरी फट रही है वहाँ पे, ये बताने वाला है नहीं करना क्या है, और फ्राइडे को मेरी क्लास लगने वाली है और उसमें रहेंगे पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स को डायरेक्ट रिपोर्टिंग। भाई दिमाग चलाया, थोड़ा बहुत अपने सीनियर से 2-4 मिनट की हेल्प उसने कर दी, चल कर देता हूँ एहसान तेरे पे, ये काम कर, इसको इससे चेक कर लियो, ये 2-3 चीज़ें उसने ऐसे फटाफट बता दी। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करी, मेहनत करी, पुरानी ऑब्जर्वेशंस देखी, नए वाउचर्स को वेरीफाई करना कोशिश करी। तो मोटा मोटी जो है 1 हफ्ते में लगभग जो काम बच्चे छोटी फर्म में करते हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन, 1.5 साल करते रहते हैं, वो मैंने हफ्ते भर में सारा सीख लिया। कैसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को चेक करना है, एक्सपेंस की वाउचिंग करनी है, टीडीएस के प्रोविजंस देखने, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा नहीं लगेगा, और आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज प्रायर पीरियड आइटम्स हैं कि नहीं है, प्रीपेड की बुकिंग प्रॉपर करी नहीं करी, प्रोविजनिंग प्रॉपर करी नहीं करी, टीडीएस रिटर्न का डेटा है उसको आप चलान से मैच कर रहे हैं, और जीएसटी, अब जीएसटी आ गया, पहले सर्विस टैक्स होता था, उसके चलान, उसके रिटर्न, सारा जो है कंप्लायंसेस आप चेक कर रहे हैं, एक्सपेंस वाउचिंग कर रहे हैं, और उसमें आप टीडीएस के प्रोविजंस चेक कर रहे हैं, और उसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस निकाल रहे हैं, भाई ये चीज़ें गलत हैं और इसको जो है आप करेक्ट कर सकते हैं, उसे आप इंटरनल ऑडिट ऑब्जर्वेशन का पार्ट बना रहे हैं। ये सिर्फ हुआ फाइनेंस का पार्ट, फाइनेंस का हिस्सा हुआ, ये पूरा इंटरनल ऑडिट नहीं है ये, उसमें बहुत एरियाज थे। एचआर पॉलिसी पे फिर मैं गया, एचआर पॉलिसी के बाद जो है उसमें देखा कि भैया जो अटेंडेंस लोग मार्क कर रहे हैं बाहर और जो बाद में अंदर जो है आपके डिटेल्स में जा रहा है उसमें कई मिसमैचेस हैं, तो वो हमने निकाला कि यहाँ आपके कंट्रोल वीक हैं। फिर फूड एंड हाइजीन पॉलिसी कि भाई जो एयरपोर्ट पर आउटलेट्स वगैरह हैं वहाँ पर जाना है, उनकी फ़ूड हाइजीन चेक करनी है, तो मैंने पाया कि नॉन वेज जो कंटेनर है उसमें आपने मिल्क रखा हुआ है या वेजिटेरियन चीज़ रखी हुई है, तो मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली, वो घबरा गए, उन्होंने कहा कि भैया दूसरा हमारा कंटेनर ख़राब हो गया इसलिए हमने यहाँ पर डाल दिया, उसको उन्होंने फटाफट हटा लिया। मैंने फोटो तो खींच ली, अब नोकिया वाले फ़ोन से खींची, क्लियर तो आई नहीं, मेरे पास टच स्क्रीन था नहीं,
और ऐसे कर कर बाहर से वहाँ पे काफ़ी सारे दारू देसी वहाँ पे उसमें ऑडिट, उसका स्टॉक ऑडिट, पता नहीं कितनी चीज़ें मैंने वहाँ पर करी, अलग अलग इंटरनल ऑडिट की पॉलिसीज़ मैंने चेक करी, सबका मैं पार्ट बना। और फिर मैं चले गया स्टैट्यूटरी ऑडिट पे, वहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन सबमिट करके वो क्लाइंट का हमने सारा काम पूरा किया। और फिर मैं गया स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब ये स्टैट्यूटरी ऑडिट उस कंपनी की थी जो आपने गुड़गांव में देखी होगी, वाटिका बिजनेस पार्क्स बने हुए हैं। तो कोई भी बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग के बनने के पीछे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो करती थी उसके लिए हम ऑडिट पे गए थे। और वहाँ का एक्सपीरियंस जो है मेरा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी प्लीजेंट रहा, क्योंकि वहाँ मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्चुअली में सीखा। जो मैंने प्रीवियस ऑडिट में इंटरनल ऑडिट में काम सीखा था वही मैंने कुछ अप्लाई करा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस चेक करने के लिए। बट वहाँ पर फिर मैंने बैंक रिकंसिलिएशन बनानी है और चेक करनी है। उनकी जो है ग्रुप कंपनीज थी, तो किसी एक छोटी मोटी कंपनी का जो है मुझे जो है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना है प्रॉपर लिंक करके, वो भी मैंने अपने पहले ही स्टैट ऑडिट असाइनमेंट में कर लिया। और उसके बाद पार्टनर को रिव्यू करवाना है, वो भी मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पे सीख ली। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने करी तो इसके साथ हमारा टैक्स ऑडिट भी उन कंपनीज का शुरू हो गया, और मैंने टैक्स ऑडिट पर भी वहीं पर एक्सपोजर ले लिया। वो क्लाइंट पूरा होने के बाद जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी थी, क्योंकि रोहिणी से मेरे को गुड़गांव और गुड़गांव मेट्रो से भी आगे बहुत जाना पड़ता था, ये करीब करीब आपके सोना रोड पर पड़ता था। तो इतना ट्रैवल करता था, 2-2.5 घंटे जाना, 2-2.5 घंटे आना, फिर वहाँ पे काम करना रात तक, काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता था, पढ़ाई का टाइम तो मिलता ही नहीं था और वो मैं कर भी नहीं रहा था। अब ये सब चीज़ें होने के बाद सिचुएशन ऐसी आई कि आपकी फ्राइडे मीटिंग होती है। अब आप वहाँ से निकले, फ्राइडे मीटिंग में आप निकल रही हैं, तो वहाँ से उन्होंने जो है मेट्रो तक गए और ऑटो करा कि हम सीधा ही वसंत विहार चलते हैं गुड़गांव से ऑटो के थ्रू। अब वो ऑटो में 4 लोग कैसे बैठेंगे, 3 आर्टिकल और 1 CA। तो ये CA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया वो कन्वेंस अरेंज करें। और मैंने बोला भी, वो 3 लोग बैठ गए, मैंने कहा कहाँ पे जगह कहाँ पे है। तो जो ऑटो में जो डंडा होता है ना विंडो वाली सीट पे डंडा, उसमें ऐसे कर कर मुझे बिठाया, जिसमें पीछे जो आपकी पीठ है और बैक साइड जो है आपकी वो बाहर ओपन है, बाहर की साइड निकल रखी है थोड़ी सी। इतने रिस्की सिचुएशन में वहाँ पर ट्रैवल करा। मुझे मालूम है कई सारे मेरे जो ऐसे दोस्त लोग हैं जान की बाजी लगा कर ऑडिट करने जाते हैं, स्टॉक ऑडिट करने जाते हैं, कि इतने मीटर पर ऊपर चढ़कर भी जो नीचे जो डिप लेना है जाइलोज में, कितना ऑयल है उस टैंकर में, वहाँ तक चढ़ जाते हैं। लाल कुआँ ऐसी सी जगह जिसका नाम सुन के वो घबरा जाएँ, वहाँ वहाँ पर भेज देते हैं ऑडिट करने के लिए, भाई जाओ स्टॉक ऑडिट ही कराओ। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, काफ़ी चीज़ें मुझे बुरी लगी। और सुबह से लेकर रात तक काम करना ही करना था। और इसके बाद मेरे को एक और ऑडिट पे भेज दिया, वो थी हमारी आर्ट गैलरी, दिल्ली में एक आर्ट गैलरी है, उसका मुझे ऑडिट करना था। और वहाँ पर पेंटिंग्स थी, M.F. हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर, F.N. सूजा, इनकी पेंटिंग्स वगैरह थी, और उसमें ट्रेडिंग का काम था, तो वो भी मैंने सीखा, स्टॉक ऑडिट भी करी, बहुत सारा काम मैंने सीखा, पुराने एक्सपीरियंसेस को नए एक्सपीरियंस में लगाया, रेंट की जो चेकिंग करनी होती है उसकी जो वर्किंग करनी होती है, एक्सपेक्टेशंस बनानी होती है वो मैंने सीखी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स या फॉरेन करेंसी, क्योंकि बाहर से आप पेंटिंग खरीदते हैं बेचते हैं बाहर वाले लोगों को, तो AS11 जो है आपका फॉरेन करेंसी के बारे में, उसमें जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन निकालना है उस पर मैंने काम किया, वैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ भी सीखी। ये सब होने के बाद जब वापस आए ऑफिस में, तो उसके बाद था इनका रिव्यू करना, साथ में जो था आपको सबकी जो रिपोर्टें थी वो आपको चढ़ानी थी सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि सरकार को कम्युनिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप चीज़ें सबमिट करते हैं। ये टाइम ऐसा था कि जहाँ पर हम सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे और फिर रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक काम कर रहे थे आखिरी हफ्ते, मतलब कि घर जाने का टाइम ही नहीं था सुबह से रात तक, और 5 बजे घर जाओ तो उसके बाद 3-4 घंटे में वापस आना है। तो कैब ले लो, कैब की आपको कॉस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कैब से जाओ घर पे खाना वाना खाओ, वापस आ जाओ, 2 घंटे सोकर आ जाओ बस। मतलब इतना एग्जॉस्ट आर्टिकल असिस्टेंट को करा, जो कि सभी लोग होते थे, बट कई लोग तो बीमार होकर छुट्टी पे चले जाते थे या उनको पॉलिटिक्स करनी आती होगी। अब जो शरीफ है वो तो फंस गया, उसको सब काम करना है, उसको सारा पूरा हालत जो है बहुत ख़राब हो रही है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हेल्थ सफ़र हो रही है, दिन भर कंप्यूटर के स्क्रीन के आगे बैठे हैं, काम सिखाने वाला कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया जितना भी चीज़ें करी, इवन टैक्स ऑडिट भी जो मैंने करा, खुद पढ़ पढ़ कर जो है टैक्स ऑडिट का मैंने चीज़ें करी, इवन अपने मामा जी को कई बार कॉल लगा लिया कि थोड़ा समझा दो भाई क्या होता है, तो फर्म से कोई प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पर नहीं मिलती थी, और ये फैक्ट है। बट इससे फ्यूचर में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब आप पहले ही इतने ग्रिल्ड हो जाते हो, जहाँ पर आपको रगड़ दिया जाता है कि ऐसी तैसी कर दी जाती है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत फ़ायदा मिला कि आज अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो इसीलिए कि वहाँ पर मैंने बहुत संघर्ष करा, बहुत डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन से मैंने अपने आप को निकाला। और यस, मैंने ट्रांसफ़र भी लिया, 3-3.5 महीने के बाद अक्टूबर मंथ में मैंने ट्रांसफ़र भी ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि यार ऐसे मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता 3 साल तक। हालांकि जर्नी बहुत बढ़िया रही है,
बढ़िया इन द सेंस फॉर लर्निंग परस्पेक्टिव, नॉट फॉर दी हेल्थ और फॉर योर अकेडमिक्स और फॉर योर सीए कोर्स। हाँ, जो आपको लर्निंग करनी थी वो आपने करी, बट अगेन वो आप 3 साल तो वैसे ग्रिल नहीं हो सकते ना, हालत निकल चुकी है और अब मन नहीं कर रहा है कि वो भाई आप सुनो, क्योंकि भाई पार्टनर वहाँ पे सुनाते भी अच्छा है, हाँ बहुत तगड़ा डांटते हैं वहाँ पे, और सीधा पार्टनर को रिपोर्टिंग होती है। तो कहीं ना कहीं लगा ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मेरी मिसिंग है, और जिस वजह से मैंने फर्म को छोड़ा, जो उसके प्रॉस थे वो मैंने आपको बताया, जो कौन से वो मैंने बताया कि ट्रेनिंग वगैरह मिसिंग है और प्रॉपर चेन नहीं है जैसे सीए की होती है, भाई एसोसिएट डायरेक्टर और जो मैनेजर होते हैं, ऐसी चेन नहीं है कि आपका काम वो रिव्यू करेंगे फिर वो आगे पार्टनर को रिपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट पार्टनर को रिपोर्ट करते हैं। तो इसका कुछ प्लस भी है, कुछ नेगेटिव भी है। दिन रात काम का प्रेशर रहता है, कोई सिखाने वाला नहीं होता, फ्राइडे मीटिंग में आपको प्रेजेंट करना होता है अपने आप को, तो बहुत सारे टफ सिचुएशन थी, बट एट दी एंड मैं वहाँ से निकला और जो भी चीज़ें मैंने लर्न करी थी वो मैंने आगे नेक्स्ट फर्म में जो है अप्लाई करा। तो 25 अक्टूबर 2013 को मैंने लूथरा से ट्रांसफ़र ले लिया। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी लोग मुझे मिले हैं बाद में GMCS में, GMCS 2 में, जो लूथरा का नाम सुनते हैं वो कहते हैं हमने भी छोड़ दी। इंडिया की किसी भी फर्म का अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई टर्नओवर है, यानी कि जो आर्टिकल असिस्टेंट छोड़ कर जाते हैं, तो वो लूथरा का है। बट इससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सीधा ही जो है बढ़िया बंदा लेते हैं और ट्रांसफ़र देने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, जब जाना है निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आए हो तो 2 दिन है उसके बाद काम पे लगो, हम नहीं सिखा रहे, और जब निकलना है निकल जाओ। प्रॉब्लम उस फर्म को होती है जिसने भाई 2-3 महीने आपको ट्रेन करा, 6 महीने ट्रेन करा, उसके बाद आप कहते हो अब तो मैं जाना चाहता हूँ, तो वो दिक्कत करेंगे, मैं ट्रांसफ़र नहीं दूंगा। हो सकता है कुछ ऐसी फर्में हो, या उनको आर्टिकल असिस्टेंट मिल नहीं रहे हैं। लूथरा में ये नहीं था, वो आर्टिकल असिस्टेंट लेंगे तो ग्रेजुएट लेंगे, दोनों ग्रुप क्लियर लेंगे, जिनको पढ़ाई के लिए छुट्टी नहीं लेनी है और पहले साल में क्लासेस अलाउड नहीं है, और ट्रांसफ़र लेना है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत उनको नहीं है, काम वो सिखाने वाले हैं नहीं, करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, स्टाइपेंड सिर्फ 4,000 मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा 40,000 की नौकरी छोड़कर कॉलेज के बाद 4,000 रुपये स्टाइपेंड ले रहा हूँ, काम नहीं सीखने मिल रहा, प्रोसेस नहीं सीखने मिल रहे, और आपको जो है पूरी तरह से रगड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा मेरी पढ़ाई सफर हो सकती है, मेरा करियर में प्रॉब्लम हो सकती है आगे, तो इस वजह से मैंने ट्रांसफ़र लिया। और ट्रांसफ़र लेने के बाद मेरे साथ क्या हुआ 25 अक्टूबर के बाद, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई मन में सवाल आ रहे मेरी स्टोरी सुनकर तो वो पूछ लीजिए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कर लूँगा आपके सवालों को। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड बाय।